वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्नो अपलिफ्ट। तो गाइज, अगर आप सर्च कर रहे हैं कोई विंडोज़ के लिए एक अच्छा सा इक्वलाइज़र जो कि फ्री हो, सेफ़ हो और बेस्ट हो, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही अच्छा यहाँ पे इक्वलाइज़र मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे आप अपनी ऑडियो को काफ़ी अच्छा यहाँ पे मैनेज कर पाएंगे, बास बूस्ट कर पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आप एडजस्टिंग कर पाएंगे। और सबसे अच्छा पार्ट ये है कि आपका ये एब्सोल्युटली फ्री है और आपको कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट यहाँ पे यूज़ नहीं करनी है। ये आपको मिल जाएगा आपके विंडोज़ 10 और 11 के माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के अंदर। तो चलिए देखते हैं वो इक्वलाइज़र क्या है, कैसे इसको सेटअप करना है, कैसे इसको यहाँ पे यूज़ करना है। तो जैसा गाइस मैंने आप लोग से शुरू में बताया कि आपको किसी भी तरह की वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है इस इक्वलाइज़र को डाउनलोड करने के लिए। आप अपने विंडोज़ 10 और 11 के सर्च पर क्लिक करिए और यहाँ पर टाइप करिए स्टोर, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को यहाँ पर आप सिलेक्ट करिए। और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जैसे ही ओपन हो, यहाँ पे सर्च में आपको टाइप करना है एफएक्स साउंड। और देखिए यहाँ पे जो पहला वाला ये जो लिंक आएगा ब्लैक और वाइट आइकन के साथ एफएक्स साउंड, इस वाले को यहाँ पे आपको इंस्टॉल कराना है। और अगर आप इसका यहाँ पे रेटिंग देखिए तो 4.4 स्टार की रेटिंग भी है, जो कि बहुत अच्छी है। और ये कह रहा है बूस्ट वॉल्यूम बास एंड साउंड क्वालिटी फॉर विंडोज़। तो यहाँ पर आप इंस्टॉल पर क्लिक कराइए। अराउंड 48.31 MB की फाइल है, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा और कुछ ही देर में यहाँ पे ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे यस पे आप क्लिक करिए, परमिशन यहाँ पे मांगिए। और यहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद देखिए इस तरह से कुछ आपके सामने इसका सिंपल सा इंटरफेस आएगा, जो कि बहुत ईजी टू यूज़ है। अब जैसे यहाँ पर आता है तो इसके मैं आपको कुछ बेसिक यहाँ पर फंक्शनैलिटीज़ के बारे में बता दूँ। दो ऊपर के साइड में आपको ड्रॉप डाउन मिलेंगे। पहले वाले ड्रॉप डाउन से आप यहाँ पे काफ़ी प्रीसेट वगैरह चूज़ कर सकते हैं, किस तरह का आप यहाँ पे चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप जो भी यहाँ पे आपको अच्छा लगे वो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरे ड्रॉप डाउन में यहाँ पे आपको डिवाइस यूज़ करना है, इनकेस अगर आप मल्टीपल आउटपुट कनेक्ट करके रखें और जिसमें भी आपको चेंजेस करने हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ और भी ऑप्शन मिलेंगे। तो मान के चलिए इसको यूज़ करने के लिए, तो मैं अभी आपको यहाँ पे लाइव करके दिखाता हूँ, तो आपको समझ में आएगा फ़र्क कि किस तरीके से यहाँ पे काम करता है। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक म्यूज़िक प्ले कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने VLC प्लेयर ओपन कर लिया है और राइट साइड में हमारा यहाँ पे इक्वलाइज़र हो गया है, जिससे हम यहाँ पे मैनेज करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको साउंड प्ले करके सारे चेंजेस करके दिखाऊँगा, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से यहाँ पर ये काम करता है। तो अभी आप यहाँ पे देखिएगा कि मेरे बंद करने पे और ऑन होने पे कितना यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, तो और इक्वलाइज़र किस तरह का यहाँ पे फ़र्क पैदा कर रहा है। ठीक है, फिर दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ। गाइज आई एम वेरी श्योर कि यहाँ पे आपको काफ़ी फ़र्क देखने को मिला होगा बेस में, साउंड में, क्लैरिटी में। ओवरऑल अब आपका यहाँ पे जो एक्सपीरियंस होने वाला है उसमें यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलेगा। तो किसी भी तरह की आप यहाँ पे साउंड को प्ले करेंगे, चाहे ऑफलाइन चाहे आप किसी भी वेबसाइट में, तो वहाँ पर आपको इस तरह का फ़र्क देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे कॉमेंट सेक्शन में गाइज ज़रूर बताइएगा कि आपको ये इक्वलाइज़र कैसा लगा, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, सेफ़ है और बहुत अच्छे ऑप्शन के साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो दैट्स ऑल गाइस, आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, किसी तरह के डाउट के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।